गाइस, जो आरआरसी ग्रुप डी को लेकर हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट आज किया था वो काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहा है अभी तक। और हमें अभी भी ट्वीट करना है, अभी भी ट्रेंड कर रहा है। तुम जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेंड कर रहा है। ऐसे भी यार, रेलवे को मॉडिफिकेशन लिंक तो देना ही चाहिए था, क्योंकि बंदों ने फॉर्म सही भरा है यार। मोस्टली बंदों ने फॉर्म सही भरा है, उसके बावजूद भी फॉर्म रिजेक्ट कैसे हो सकता है? और सेम फोटो एनटीपीसी में एक्सेप्ट हो जाता है और आरआरसी ग्रुप डी में रिजेक्ट हो जाता है। तो जिस तरह से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बोला था कि मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलेगा, और रियली में अभी तक कोई मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिला है, ये चिंता का विषय तो है ही। चलो यार, देखिए कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है, लेटेस्ट देखते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। इवन इवन मैंने भी बहुत सारे ट्वीट किए थे, क्योंकि यार ऑफ कोर्स ये एक लाइफ की बात है यार। जो चीज़ सही है उसको भी रेलवे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। जैसे मैंने भी किया, देखो बहुत सारे मैंने खुद ही किए, बहुत सारे रिट्वीट्स हो चुके हैं मेरे ट्वीट को। देखो जैसे 2 रिट्वीट ऐसे बहुत सारे बंदों ने किया है, थैंक्स टू ऑल, 15 रिट्वीट हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि मैं रिट्वीट है वो दिखाना चाहता हूँ, मेरे को मतलब ये है कि यार मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कर कुछ देना, जैसी बात नहीं है। सो यार प्लीज़, रेलवे को यार अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मॉडिफिकेशन लिंक ही तो देना है यार। कौन सा हम रेलवे की प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, राइट? और क्या चाहते कि एग्ज़ाम देने को मिले? यार ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है, और एग्ज़ाम देने को ना मिले तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत लोगों की। तो बहुत लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जैसे मैं बोल रहा था ना, एक ही फ़ोटो एक भर्ती में सिरका, दूसरे में खारिज कैसे? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दोनों में ही अगर कैंसिल हो जाता है, दोनों में ही अगर रिजेक्ट हो जाता, समझ आता है, एक में एक्सेप्ट करो एक में रिजेक्ट करो, जबकि बंदों ने फॉर्म सही भरा है यार। तो देर इज़ नो रीज़न टू नॉट टू गिव मॉडिफिकेशन लिंक, राइट? चलो यार, एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, सबका सपोर्ट रहा, सपोर्ट सब बंदे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए यार। ये मत समझो कि मॉडिफिकेशन लिंक बढ़ जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी, ऐसी मानसिकता है तो तुम कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते है। क्योंकि यार 5 लाख बंदे से हटने से या जुड़ जाने से कोई फर्क, अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो तुम्हें जॉब मिलेगी यार, टेंशन मत लो, राइट? सो कहने का मतलब यही है यार कि चलो अभी तक तो बंदों ने सपोर्ट किया, और आगे भी करना है यार, प्लीज़ सभी का सपोर्ट चाहिए, राइट? चलो यार, ट्वीट पे ट्वीट करते रहो, ट्रेंडिंग होते रहे। तभी रेलवे मिनिस्टर जो वैष्णव बना है वो उसको पता चलेगा, अदरवाइज़ ट्रेंडिंग नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और खान सर ने भी सपोर्ट किया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी, जैसे खान सर ने पर्टिकुलरली इसके लिए वीडियो बनाया है, और एक दो यूट्यूबर्स जो अच्छे ब्रांड बन चुके हैं उनका भी सपोर्ट रहा है, राइट? तो मिलजुल के सबका सपोर्ट रहा है, और देखो कितना जल्दी हमें मॉडिफिकेशन लिंक मिलता है। कोर्ट में भी ये केसेस है, लेकिन कोर्ट का अभी तक कुछ पता पता ही नहीं चल पा रहा है, मतलब कि वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक दिख नहीं रहा है उतना। यार हमें कोर्ट नहीं जाए, हम जस्ट चाहते हैं कि हमें मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाए, हम मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर पाएँ और एग्ज़ाम दे पाएँ, बस यही चाहें, और क्या। चलो यार, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो, लाइक करो।